हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अभी हम आप सोच रहे होंगे कि लोकेशन कहाँ की है, तो हम घर आ गए हैं थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि अभी जो है वो यहाँ पे काम शुरू होने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो मक्की वगैरह है वो पक चुकी है, उसकी कटाई का काम मतलब शुरू होने वाला है, और उसके बाद घास वगैरह कटाई की जाएगी। तो उसके लिए हम घर आ गए थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि मम्मी वगैरह की हेल्प भी करनी होती है। अभी उनकी इतनी एज भी नहीं है कि वो अकेले ही करें, तो थोड़ी बहुत हेल्प कराने के लिए आ गए। प्रॉपर तो मेरे को भी इतना ज़्यादा आता नहीं है, पर फिर भी मैं उनकी मतलब हेल्प कटाने वगैरह में हेल्प के लिए आ गई हूँ। और आयु तो घर आके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसको वेट है कि मैं कब पहुँचूँ घर। तो ये हमारे घर के लिए जो लिंक रोड आता है उस पर मैं मतलब पहुँच चुके हैं हम, और पीछे आप देख रहे हो ये हमारा वेट कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे घर के लिए एक और लिंक रोड बन रहा है, क्योंकि ये जो लिंक रोड बना हुआ है इसका डिस्टेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा है। जब हम उधर से आते हैं मतलब बनीखेत वाली साइड से, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे 1 घंटा लग जाता है। तो अभी हमारे गाँव के लिए एक और शॉर्टकट बन रहा है, तो मैं वो काम भी चल चुका है। अभी मैं आई, मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अभी उसका काम लगा हुआ है, जेसीबी वगैरह लगी हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से आ रहा है वो रोड, तो आप देख सकते हो, वो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, यहाँ पहुँच चुका है। बस 1-2 मोड़ और फिर यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ये भी हमारे जैसे घर के सामने दूसरा गांव है, तो ये जो आप दिखाई दे रहा है ये जेसीबी लगी हुई है, और यहाँ से फिर हमारे लिए जैसे अभी जो जैसे 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, और जब ये लिंक रोड बन जाएगा शॉर्टकट जो है, तो हमें 20 मिनट लगेंगे फिर घर पहुँचने के लिए। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है कि काम लग चुका। और जो ये वाला लिंक रोड है ये भी जल्दी मतलब पक्का होना, इस पर भी पक्का होना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी चलते हैं घर पे, क्योंकि घर पे भी वेट कर रहे होंगे, हमने बता दिया था कि हम घर आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं घर और सबसे मिलते हैं, और आपको भी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, और आपको भी अपने खेतों की सैर कराऊंगी अपने साथ कि कैसे कैसे हमारे गाँव में पहाड़ों में काम किया जाता है। तो चलिए अभी पहले घर चलते हैं। अभी आप देख रहे हो कि मैं अलग अवतार में आ चुकी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे गांव में है कि हम जैसे बड़ों के आगे, जैसे जो मेरे ससुर वगैरह है, जेठ वगैरह, उनके आगे से सर ढक के जाना पड़ता है, यहाँ का कल्चर है, तो इसलिए मुझे भी ढक के जाना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है, इसमें कुछ वो नहीं है, बड़ों की रिस्पेक्ट एक शो करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप सोचो कि हाँ भाई ये कैसी सोच है पुराने ज़माने के लोग, पर ये अच्छा तरीका होता है अपने मतलब जेस्चर टाइप होता है दूसरे बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करने का। और आयु आप गिनना मत, आयु देखना कैसे, चलो उतरो, छोड़ दो गिरेगा तो कुछ, छोड़ दो नहीं गिरता, आराम से चलेगा आयु। और ये आपको मैं दिखाऊं, तो इस तरफ भी कुछ खेत हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे येलो हो गए, जो मक्की वगैरह ये पक चुकी है, अब इसकी कटाई होगी। और इसको फिर हम जो करते हैं इकट्ठा करके स्टोर कर लेते हैं, जैसे सर्दियों के लिए जब बर्फ़ वगैरह गिरती है ना, तो पशुओं को डालने के लिए अच्छा होता है ये। तो ये आप देखो, और ये हमारा गाँव है। भैया आयु देखो, आयु को घर जाने की इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं घर जाऊंगा, उसको होता ही है, अपने गाँव से सबको प्यार होता है कि मैं अपनी दादा दादी से मिलूंगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। I don't know.
चल जा कर ले, तू नंदुआ की चंदुआ, नंदुआ की चंदुआ। अम्मा की बजाय, चिकू दीदी की बजाय। बोल, तू नंदुआ की चंदुआ की गंदुआ की तंदुआ। रहते नहीं ना, जैसे ऐसे सफाई तो कर देते, झाड़ू वगैरह लगा देते, पर अगर खुद आप रहो ना तो इतनी खतरनाक आदत है ना। जाले जाले प्लीज, ये खुल रहा। बारिश की बात, जैसे बरसात के टाइम में ना ये खिड़की दरवाजे ऐसे जाम हो जाते हैं, बोलते हैं लकड़ी फूट गई। आपने मेरी जो पहली वीडियो या दूसरी वीडियो देखा होगा, ये रूम मेरा, मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, और आई थिंक सेकंड में है फैन जगह, क्योंकि यहाँ पे फैन की जरूरत है। अभी आप देख सकते हो पसीना, मेरे को लगा नहीं था, मेरे को ऐसा लगा क्योंकि हम वहाँ पे थे, बन गए थे, तो मतलब ठंड हो रही थी, मैंने गर्म सूट पहना था, आप हिसाब लगा लो। और जैसे हम यहाँ आए पसीना, मेरे को लगा कि शायद घर वाली साइड भी थोड़ी ऐसा ठंड वाला मौसम हो गया, धूप इतनी ज़्यादा है ना कि गर्मी। चलिए अब चेंज वगैरह कर लेते हैं, रूम वगैरह तो कल सुबह ही करूँगी ठीक, थोड़ा बहुत अभी बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी और बाकी झाड़ू पोछा तो सुबह चेंज कर लेते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स, आपको मैं सच्चाई बताती हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे को इतना यकीन था कि ये साफ सफाई वाला इंसान है, नहीं मैं गलत थी। देखिए ये बोल रहे हैं ना कि मैंने ना जब मैं आया एक, मतलब एक दो बार मैंने साथ में आई, मेरे को यही होता है कि ये जा रहे हैं तो पीछे कमरे का कबाड़ा करके वापस आ गए। आप देख सकते हो, अगर मैं झूठ बोलूं, ये एक बार आए, ये दो, ये तीन, ये चार, आप देख सकते हो। और ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं, मैं एक ही दूसरे, ये क्या? और फिर मेरे को पता नहीं, तू कपड़े धोते रहे, ये गंदे करेंगे धोएंगी। Oh no! चम्मच! हाँ मैं चम्मच नहीं, एंडूस नहीं खाना, चम्मच से खाना है। फ्रेंड्स तो अभी हम आ गए हैं खाना खाने, खाना यानी कि लंच, और आज बना है गाँव का देसी स्टाइल भोजन, कड़ी और मक्की की रोटी। और अभी मैं थोड़े दिन पीछे आई थी, जैसे आपने कि मैंने वीडियो में बताया था, गौशाला में गई थी ना मैं, कि भैंस ने बच्चा दिया है, तो हमारी भैंस अभी उसने बच्चा दिया तो दूध भी है हमारे घर में, तो आई बोलता है मैंने दूध के साथ खाना, तो मक्की की रोटी ना दूध के साथ भी बड़ी टेस्टी लगती है, तो मैं इसको ऐसे ना चूर के दे रही हूँ ताकि आयु को दूध बड़ा अच्छा लगता है ना आयु को, और भैंस का दूध इतना अच्छा होता है, भैंस के दूध की चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं पहले, मेरे को भैंस के दूध का इतना पता नहीं था, क्योंकि जहाँ मतलब मेरे मायके वाली साइड गाय वगैरह रखते हैं ज़्यादा, इस साइड जो है ससुराल वाली साइड जो है भैंस वगैरह रखते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता था कि भैंस का दूध कैसा होगा, बट भैंस के दूध का जैसे चाय और दही इतना टेस्टी होता है ना, और जैसे कि जो भैंस का दूध होता है वो वैसे ठंडा होता है, जैसे किसी को फीवर वगैरह होना, जैसे गाय का दूध होता है उसकी गर्म होता है वो, और जो भैंस का दूध होता है वो होता है ठंडा, तो जो जैसे बोलते हैं कि तस्दीर, जैसे गर्म तस्दीर, किसी को फीवर वगैरह आ गया तो जैसे भैंस का दूध अच्छा होता है। थोड़ा इग्नोर भी करिएगा शोर को, क्योंकि
आई हूँ ना घर आके, कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इतना शोर कर रहा है बाज। आयू बैठो, लो मैं देती हूँ आपको। आयू खा रहे है ना? आयू जी क्या खा रहे हो? दूध किया, मकड़ी किया। मकड़ी ये लो। चिकू दीदी क्या खाएगी? कड़ी, कड़ी? हाँ। अच्छा, और ये हमारे देसी खीरे जो खुद लगाए थे वो है ये, और इसके साथ कड़ी, मक्की की रोटी, खीरा और हरी मिर्च। क्या स्वाद आएगा, पूरा गांव वाला स्वाद, अच्छा वाला। ये लो फ्रेश फ्रेश खीरा तोड़ के लाए हैं अभी, और मिर्ची खुद घर की है। ये लो, इतनी तीखी है, इसकी शक्ल पे मत जाओ। मक्की रोटी फ्रेंड्स, अगर आप खाना चाहते तो लीजिए, खाइए, आपके लिए। खाओ सो फ्रेंड्स, ये जो कड़ी और मक्की की रोटी होती है ना, इसको कैसे खाते हैं? ऐसे हाथों से भाई, हम दो हाथों से खाते, कई होते हैं स्पून चम्मच ये वो, पर ये इसको मजा ऐसे आता है कि आप इसको बिल्कुल से बारीक से इसको ऐसे चूर लो कड़ी के साथ, इसका मजा आएगा। और हरी मिर्च, ये देखो फ्रेंड, मैंने बोला था जिस काम के लिए हम घर आए थे वो काम शुरू हो गया, यानी कि मक्की तोड़ने का। तो ये हम निकाल रहे हैं, हमारे साथ पापा भी, वो आगे आपको दिखाई नहीं देंगे, बड़े अंदर है खेत के उधर। तो ये देखो, एक क्या बोलते हैं, एक बार ये घर छोड़ आया है, थोड़ी सी बची, और ये देखो आप, मैंने इतना ढेर लगा दिया है, ये तो थोड़ी सी है बिल्कुल, और जल्दी से निकाल लेते हैं मक्की, क्योंकि आप देख सकते हो मौसम ख़राब हो रहा है ये, और ये मतलब ये वाला खेत ही बचा मक्की निकालने के लिए, और ये जो बाद में इसको जो है उसको बाद में हम तोड़ेंगे, मतलब कि काटेंगे। तो अभी मक्की को तोड़ के घर ले जाएंगे।